वक्त वापस नहीं आता। वक्त को वापस लाना पड़ता है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित टीम इंडिया के सबसे धाकड़ कप्तानों में शुमार सौरव गांगुली आज 51 साल के हो गए हैं। सौरव गांगुली को पूरा देश दादा कहकर भी बुलाता है। वे 2022 में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गांगुली के माता पिता ने उनका निकनेम महाराजा रखा है, जिसका मतलब प्रिंस होता है, और बाद में उन्हें प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाने लगा। सौरव गांगुली भले ही बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो अपने सभी अन्य काम अपने दाएं हाथ से करते हैं। वो दाएं हाथ से ही लिखते हैं और गेंदबाजी भी दाएं हाथ से करते हैं। सौरव गांगुली बचपन से ही फुटबॉल के बड़े प्रशंसक थे, लेकिन अपने भाई के प्रभाव में आकर उन्होंने क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवाया। सौरव गांगुली ने जब जब टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है, तब तब भारतीय क्रिकेट टीम कभी भी टेस्ट नहीं हारी है। सौरव गांगुली एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में लगातार 4 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जीते हैं। गांगुली को ये मैन ऑफ द मैच 14 सितंबर 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 के बीच मिले हैं।